शांति। हर एक बच्चे का अपना एक सपना होता है कि वो डॉक्टर बने, वकील या फिर इंजीनियर। मेरा भी एक सपना है कि मैं जो भी बनूं, पर उससे पहले एक अच्छा इंसान बनूं। मैं बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह बनना चाहता हूं, और ऐसा बनने के लिए मैं एक साथ दो स्कूल में जाता हूं, एक कॉन्वेंट और दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आपको पता है इस स्कूल का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने वाले स्वयं भगवान हैं। यकीन नहीं होता, पर क्यों? भगवान ने तो वायदा किया था ना, जब जब धर्म की कलानी होगी तब तब मैं धरती पर आऊंगा। पर क्या ये वो समय नहीं चल रहा? अभी भी कसर है धर्म की कलानी होने में, और भगवान अपना वायदा तोड़ते? ये तो हो ही नहीं सकता। भगवान सचमुच इस धरती पर आ गए हैं। एक पल के लिए अपने दिल पर हाथ रखिए और सोचिए, क्या हम सभी उस परमपिता परमात्मा को नहीं पुकार रहे? हे दुखहर्ता सुखहर्ता, आओ और हमें ऐसी दुनिया में ले जाओ जहाँ कोई दुख ना हो। बच्चे तड़प रहे हो, बुला रहे हो और पिता ना आए, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। भगवान सचमुच इस धरती पर आ गए हैं हमें ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए जहाँ कोई दुख नहीं है। कॉपी बस्ता और कलम ले पढ़ने जाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। देह नहीं हम हैं विदेही, यही समझ आते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। अ से आत्मा, प से परमात्मा, दोनों बिंदी बिंदी, न किया कोई फर्क किसी में, मुस्लिम हो या हिंदू। ज्ञान का सागर बैठे सामने, ज्ञान सुनाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। मीठे मीठे बच्चे कहकर बाबा मुरली सुनाए, प्यार भरी वो दृष्टि देख पावन हमें बनाए। 84 का चक्र बताकर देव बनाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। तू ही राह चाल परानी, क्यों गफलत में सोया? दुखी दरित्री पन दुनिया में शीश पकड़ कर रोया। नर से नारायण नारी से लक्ष्मी की कथा सुनाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। अब भगवान ने तो अपना वायदा निभा दिया, अब हमारी बारी है। क्या आप नहीं चाहते आप अपने परम पिता से मिले? अगर सचमुच चाहते हैं तो आओ मेरे पास, मैं मिलवाऊंगा। यकीन रखो निराश नहीं होंगे। मैं एक आत्मा हूँ, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मैं आत्मा शिव बाबा का आह्वान कर रही हूँ। हे खुदा दोस्त, अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ। बाबा अपना धाम छोड़कर सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर रहे हैं। बाबा की शक्तियों की किरणें पूरी दुनिया में फैल रही है। महसूस कीजिए बाप दादा मेरे सम्मुख खड़े हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा पावन होती जा रही हूँ।
बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा। बाप दादा के हाथ से शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में फैल रही हैं। मैं आत्मा स्वस्थ हो रही, सुखी हो रही, शांत हो रही। मुझ आत्मा में से शक्तियों का प्रकाश निकल कर सभी आत्माओं तक पहुंच रहा है। सभी आत्माएं स्वस्थ हो रही हैं, सुखी हो रही हैं, शांत हो रही हैं। सभी आत्माओं का मंगल हो रहा है। बाबा इसी वायदे के साथ लौट रहे हैं, बच्चे जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं एक सेकंड में वहां पर हाजिर हो जाऊंगा। ओम शांति।